हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल जायका में। आज हम मशरूम की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मशरूम ले लिया है। इन्हें धोकर अच्छे से साफ करेंगे। देखिए, ये जो काले स्पॉट्स हैं इन्हें हम साफ कर लेते हैं। इन्हें साफ करने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा इन पर इस तरह से छिड़क लें। इस तरह से मसलते हुए इन्हें साफ कर लें। सारी गंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। सारे मशरूम को इस तरह से रगड़कर हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। साफ करते समय सावधानी रखें कि टूटे ना। ये देखिए, सारी गंदगी निकल चुकी है। अब इसे साफ पानी से अच्छे से धो लेते हैं। सारे मशरूम को धोकर हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। इसके नीचे वाले डंठल को थोड़ा काट लेते हैं और इस तरह से इस पर थोड़ा सा चीरा लगा लेते हैं। जो छोटे मशरूम हैं उन्हें इस तरह से चीरा लगा कर तैयार करेंगे और बड़े को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सारे मशरूम को काटकर हमने तैयार कर लिया। इन्हें एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चम्मच नमक। मिला लेते हैं इन सबको अच्छे से। हल्के हाथों से ही इन्हें मिलाएंगे ताकि मशरूम हमारा टूटे ना। इसी के साथ इसमें डाल लेंगे 1 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इन्हें भी मिला देते हैं इसमें। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे 15 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। मशरूम की ग्रेवी बनाने के लिए हमने 4 मीडियम साइज के प्याज को छील कर ले लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 2 हरी मिर्च लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियों को छील कर ले लिया है। काट लेते हैं इन सबको। प्याज टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है, मिर्च को भी इस तरह से फाड़ लिया है। एक कुकर में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटे चम्मच जीरा डाल देते हैं। कुछ खड़े मसाले हमने लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, कुछ दालचीनी के टुकड़े, जावित्री, 3 लौंग, इन्हें डाल देते हैं। इलायची का मुंह हमने खोल कर डाला है। 1 तेजपत्ता डाल लेते हैं। जीरा हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और ये लहसुन हम डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा भून गया है, इससे ज्यादा हम प्याज को नहीं भूनेंगे। इसमें डाल लेते हैं 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़े चम्मच मीट मसाला। थोड़ी सी डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने मशरूम में भी डाला था, इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है। मसाले को थोड़ा भून लेते हैं। सूखे मसाले हमारे भून गए हैं, तो इसमें कटे हुए टमाटर को मिला लेते हैं। साथ ही स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं। नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने मशरूम में भी नमक मिलाया था। 1/2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी, 1 मिनट भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। अभी आपको इसका कलर कुछ डल लग रहा होगा क्योंकि हमने हल्दी और मिर्च मशरूम में मिलाया है, इसमें नहीं डाला है। जब मशरूम को डालेंगे तब इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसमें 1/2 कप पानी डाल लेते हैं। मिला लेते हैं सबको और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने देते हैं।
दो सीटी आने के बाद कुकर हमारा ठंडा हो गया है, खोल लेते हैं इसे। इस तरह से मैश करते हुए इसे भून लेते हैं। इस समय चाहे तो आप, हमने जो खड़े मसाले, बड़ी इलायची और दालचीनी जो डाला था, अगर आपको पसंद ना हो तो उसे निकाल सकते हैं। प्याज को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें अपने मशरूम ऐड कर लेते हैं। मशरूम को डालने के बाद सावधानी से इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि मशरूम हमारे टूटे नहीं। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है, तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसमें डाल लेते हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने खड़े मसाले में भी यूज किया है। ढक्कन को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद कुकर हमारा ठंडा हो गया है, खोल लेते हैं इसे। ये देखिए मशरूम की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसमें डाल लेते हैं थोड़े से कटी हुई हरी धनिया, मिला लेते हैं इन्हें। बहुत ही थिक ग्रेवी बनकर तैयार हुई है।